चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं जजमेंट डे की। तो कोरोना संकट काल में पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में सत्ता की चाबी किसके हाथ आती है, इस पर हर किसी की नजरें टिकी है। वही बात करें राजस्थान प्रदेश की, तो यहां भी 3 विधानसभा के उपचुनावों के नतीजे आज ही आने वाले हैं। इन चुनाव परिणामों से कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में यहां भी किसकी किस्मत चमकती है, ये देखने वाली बात है। राजस्थान की 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे, तो वहीं बात की जाए देश की तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का रिजल्ट भी आएगा। तो अब देखना यह होगा कि राजतिलक किसका होता है, 5 राज्यों में कौन जो है वो मुख्यमंत्री की सीट हासिल कर पाता है, मुख्यमंत्री कौन बन पाता है। तो वहीं जो उपचुनाव है प्रदेश के अंदर, 3 सीटों पर उपचुनाव है, तो कई दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। तो अब ये भी देखना होगा कि इन उपचुनाव में कौन बाजी मारता है और किसके हाथ शिकस्त लगती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो उपचुनाव है उनको कहीं ना कहीं जो आगामी विधानसभा चुनाव है राजस्थान के, उसके सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो आज की नजरें सभी की काउंटिंग पर रहेगी कि आखिर कौन से राज्य में कौन विजयी होता है। और बात की जाए प्रदेश की, तो वहां पर भी उपचुनाव का जो रण है वो किस तरीके से हर दिग्गज ने अपनी पूरी ताकत झोंकी वो भी सबको पता है। तो ऐसे में आज का दिन अपने आप में काफी अहम हो जाता है, क्योंकि बंगाल समेत 5 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो सबसे बड़ी बात यही सामने आ रही है कि अगर बीजेपी जीतती है तो 10 सालों तक जो टीएमसी का शासन रहा, तो उसके बाद बीजेपी की जो धारणा थी आसोल परिवर्तन की, जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार वहां ताबड़तोड़ रैलियों के माध्यम से कही, तो वो भी सामने आएगी। तो वहीं अगर तृणमूल कांग्रेस जीतती है, तो ऐसे में जो ममता बनर्जी है वो देश के अंदर बीजेपी के समक्ष एक बड़ी विरोधी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी। तो नतीजों पर, रिजल्ट पर सभी की नजरें हैं कि आखिर आज रिजल्ट क्या होने वाला है। बात करें सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव की, कांग्रेस ने 2 जगह पर दिवंगत विधायक के परिजनों को टिकट दिया है। जातीय दावपेच का पूरा ध्यान रखा गया। ये सीट पहले कांग्रेस के पास थी। सहाड़ा से कांग्रेस ने दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री त्रिवेदी को मैदान में उतारा है। त्रिवेदी के भाई राजेंद्र की दावेदारी सबसे प्रबल थी, लेकिन परिवार में अंतर्कलह होने के कारण कैलाश त्रिवेदी की पत्नी को टिकट मिला। कांग्रेस की बुजुर्ग प्रत्याशी गायत्री देवी का मुकाबला है बीजेपी के अनुभवी और वरिष्ठ नेता रतनलाल जाट से। गायत्री देवी पहली बार चुनाव लड़ रही है, वहीं रतनलाल जाट पहले भी विधायक और मंत्री रह चुके हैं। परंपरागत तौर पर यहां कांग्रेस ने ब्राह्मण और बीजेपी ने जाट चेहरे पर दांव खेला है। हालांकि रतनलाल जाट चुनाव के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गए। उम्र, परिवार, बाद इमोशनल कार्ड, जाति का गणित, सभी फैक्टर यहां काम करेंगे। सहाड़ा के चुनाव में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की साख भी दांव पर है। तो बीजेपी के सांसद चंद्रप्रकाश जोशी, प्रभारी जोगेश्वर गर्ग, श्रवण सिंह बागड़ी की साख यहां पर दांव पर है। बीजेपी के चुनावी स्टार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सहाड़ा के गंगापुर में चुनावी सभाएं की है। सहाड़ा की जो सीट है वो सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी गई, लादूलाल पीतलिया की बात की जाए या फिर कई ऐसे वहां पर जो ऑडियो बम और लेटर बम जिस तरीके से वायरल हुए, तो वो भी सहाड़ा की जो सीट है उसको कहीं ना कहीं हॉट सीट बनाते रहे। और इसी सीट पर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कौशल जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कौशल, देखिए सहाड़ा की जो सीट है सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, तो अब क्या लगता है कि आज जो रिजल्ट आएंगे, जो नतीजे आएंगे, क्या इमोशनल कार्ड सक्सेसफुल हो पाएगा? जी देखिए, निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल आपने किया है कि इमोशनल कार्ड कितना सक्सेस होगा। तो देखिए, ये जो वक्त है फिलहाल जो ईवीएम है इसके अंदर भाग्य बंद है दोनों ही प्रत्याशियों के। हम अगर बात करें सबसे पहले कांग्रेस की, तो कांग्रेस सत्तारूढ़ दल है और यहाँ पर जो विधायक थे जो दिवंगत हुए उनकी पत्नी चुनाव मैदान में, गायत्री देवी, तो
वहां देखे तो बीजेपी के भी जो कद्दावर नेता है रामलाल जाट, वो इस चुनाव में अपनी जो किस्मत है वो आजमा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो जो सिंपैथी के वोट है वो कहीं ना कहीं अपने आप में इस जो फैसला है इसको तय करने जा रहे हैं। अब देख रहे हैं आपकी मतगणना स्थल के बाहर हम लोग मौजूद हैं, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के बाहर, और जो मतगणना की जो टीम्स हैं अब वो धीरे धीरे अंदर जाना शुरू हो गई हैं, और उन्हीं के बाद 8 बजे यहाँ से जो काउंटिंग है वो स्टार्ट होगी। फिलहाल 7 बजे सभी को अंदर ले जाने के बाद जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनकी पालना के अनुरूप यहाँ पर जो काउंटिंग है वो स्टार्ट की जाएगी। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो वास्तव में ये बहुत हॉट सीट है, और इस पर जहाँ बीजेपी के बहुत बड़े कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर थी, तो वहीं कांग्रेस के भी बहुत बड़े जो नेता हैं, कद्दावर नेता मंत्री हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो सीट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और राजनीति के क्षेत्र में कहीं ना कहीं इसको बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि आगे भी कई जो ये इसका जो रुझान होगा किस तरह से बढ़ेगा, किस तरह से क्या होगा, उसमें काफ़ी कुछ जो है वो निर्भर करेगा। लेकिन जो जिस तरह से यहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत की, उनके मन को टटोला, तो कहीं ना कहीं जो सिंपैथी जो है वो यहाँ पर एक तरह से सामने आई है। लेकिन फिलहाल हम अभी किसी भी बात को जब तक परिणाम जारी नहीं होते नहीं कह सकते, लेकिन माना जा रहा है कि जो परंपरागत वोट जिस तरह से बीजेपी ने जाट कार्ड खेला है और कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, तो कहीं ना कहीं इस बात का जो फर्क है वो काफ़ी गहराई से देखा जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि अंदर फिलहाल काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन कुछ ही देर में ये काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी जी कौशल, और देखिए सबसे बड़ी बात इमोशनल कार्ड की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं, पर ये बात भी हम झुटला नहीं सकते कि जब तक अभी तक जितने भी विधानसभा उपचुनाव हुए हैं 1965 से अगर बात की जाए तो कभी भी इमोशनल कार्ड सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो अब तक का रिकॉर्ड है वो टूटेगा? जी देखिए, अपने आप में बहुत अहम सवाल है कि क्या रिकॉर्ड टूटेगा, तो ये तो परिणाम ही बता पाएंगे। लेकिन सहाड़ा की जो जनता है, जिस तरीके से जो कैलाशनाथ पंडा थे, जो यहाँ पे पूर्व विधायक थे जो दिवंगत हुए, उनको लेके जो माहौल है, जो छवि है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर काउंट हुई है, वो देखी गई है। क्योंकि यहाँ पे लोगों का साफ कहना था कि जब वो खड़े होते थे तो यहाँ के जो काम थे वो बाधित नहीं होते थे और सुचारू होते थे। लेकिन हम बात करें अगर बीजेपी के कद्दावर नेता राम जाट की, तो रतनलाल जाट भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं और कद्दावर हैं, और उनकी भी जो प्रतिष्ठा है वो यहाँ पर दाव पर लगी हुई है। इसी के साथ बीजेपी के कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी यहाँ पर दाव पर है। लेकिन माना जा रहा है कि शायद सहाड़ा के अंदर जो सिंपैथी कार्ड है वो कहीं ना कहीं सक्सेस होने की ओर अग्रसर हो रहा है। जी जी कौशल, और देखिए ये बात भी हम झुटला नहीं सकते, किस तरीके से राजेंद्र त्रिवेदी जो थे वो गायत्री देवी को टिकट देने पर नाराज हुए, हालांकि बाद में ये भी खबरें सामने आई कि दोनों में सुलह हो चुकी है, अब दोनों साथ में मिलकर चुनाव को लड़ेंगे, तो क्या उसका इफेक्ट भी इस पूरे चुनाव परिणाम पर हो सकता है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब परिवार के अंदर बिखराव होता है तो ऐसे स्थिति में हम जीतने की बात बहुत मायने रखती है, लेकिन अब जब बिखराव को इन्होंने एक किया और एक करने के बाद जो जातीय समीकरण बिठाए गए, पारिवारिक समीकरण बिठाए गए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके भाई और उनके बेटे के बीच सुलह हुई, और नतीजा ये हुआ कि उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, क्योंकि कांग्रेस किसी भी कीमत पर से सीट को खोना नहीं चाहती थी, और जो कांग्रेस की रणनीति थी वो यहाँ पे थोड़ी सी कामयाब होती दिखाई दे रही है कि उन्होंने परिवार को भी बांधा तो समाज को भी बांधा, और समाज के साथ जो क्षेत्रवाद था उसके अंदर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सफलता है वो दिखाई दी। जी कौशल, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपके साथ भी मैं जुड़ूंगी। तो अब रुक कर लेते हैं राजसमंद विधानसभा उपचुनाव की सीट का, जहां से हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ बने हुए। तो रवि, वहां पर क्या लगता है कि आज जो नतीजे आएंगे, क्योंकि देखिए दोनों ही सीट, सहाड़ा पर भी इमोशनल कार्ड खेला गया तो वहीं यहां पर भी इमोशनल कार्ड खेला गया, तो क्या लगता है कि दीप्ति माहेश्वरी के पक्ष में ज्यादा वोट आएंगे या फिर उनके अपोजिशन में जो है उन पर ज्यादा वोट मिलेंगे? बिल्कुल, देखिए आयुषी, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये दोपहर बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर राजसमंद का जो मतदाता है उसने किसको चुना है, किसको अपना मत दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये जो राजसमंद का राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तैयारियाँ हैं ये की गई हैं मतगणना को लेकर, पुलिस के व्यापक बंदोबस्त हैं। लेकिन आयुषी, यहाँ ये जिक्र करना बेहद ज़रूरी कि पुलिस जो है
वो सख्ती तो बरत रही है, लेकिन मीडिया पर अतिरिक्त सख्ती जो है वो बरती जा रही है। मीडिया को एंट्री में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है यहाँ पर, लेकिन पुलिस है और पुलिस अपना काम कर रही है और व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश जो है वो हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तरफ जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर हैं और 8 बजे जो है वो मतगणना का कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन जो आपने बात कही कि यहाँ पर जो है भाजपा ने इमोशनल कार्ड खेला, दीप्ति माहेश्वरी को अपना प्रत्याशी बनाया और दीप्ति माहेश्वरी जो हैं उन्होंने अपनी माँ के नाम पर, यानी कि दिवंगत जो विधायक हैं किरण माहेश्वरी, उनके नाम पर तमाम तर प्रचार चुनाव प्रचार किया था। और ऐसे में कांग्रेस जो है वो चूँकि पिछले लंबे अरसे से राजसमंद में अपने लिए स्कोप तलाश रही है, पिछले 20-22 वर्षों से जो कांग्रेस है वो यहाँ पर जीत दर्ज नहीं कर पाई, तो ऐसे में इस बार जो है कांग्रेस की आशा यही थी कि एक ऐसा प्रत्याशी लाया जाए, एक ऐसा कैंडिडेट लाया जाए और तनसुख बोहरा जो हैं वो उनको एक ऐसे प्रत्याशी मिले जिन्होंने कि बहुत अच्छा चुनाव जो है वो यहाँ पर कहीं तो लड़ा है। तो ऐसे में फिलहाल 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा। मैं बता दूं कि 25 राउंड में ये मतगणना का कार्य जो है वो कंप्लीट होगा और इसके बाद जो है रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो काम है आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो मतगणना में जो कार्मिक हैं जो कि रहेंगे वो तमाम कार्मिक जो हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन एक और चीज़ की आज जो है बारिश ने जो है यहाँ पर दस्तक दी है, बारिश जो है उसने मौसम को खुशगवार बनाया, तो ऐसे खुशनुमा माहौल में जो मतगणना है वो शुरू होगी और उसके बाद में जब दोपहर बाद तक, चूँकि इस बार जो है कोरोना गाइडलाइन के चलते अतिरिक्त बूथ बढ़ाए गए थे, तो ऐसे में संभव है कि दोपहर के बाद ही परिणाम जो है वो सामने आ पाएगा। लेकिन जो बारिश हुई है उसने मौसम खुशगवार कर दिया है और ऐसे में अब जो है दोनों ही प्रत्याशी, क्योंकि सीधा मुकाबला जो है कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, तो दोनों ही जो प्रत्याशी हैं उनकी उनको वो और उनके समर्थक यही सोच रहे होंगे कि जो इंद्रदेव ने शुरुआत की है वो आखिर किसको शुभ संकेत जो है वो माना जाएगा। ये दोपहर रवि ये बात भी सबसे बड़ी है कि देखिए इंद्रदेव ने बरसात की है और साथ ही अब देखना ये होगा कि ये खुशी की बहार किस पर होती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि राजसमंद सीट पर जो दोनों प्रत्याशी है वो दोनों ही नए चेहरे हैं। बिल्कुल, देखिए राजसमंद जो विधानसभा है उसमें दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरीके से नए हैं। जो तनसुख बोहरा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, अब तक जो है एक समाज सेवी की भूमिका में रहे लेकिन कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और वो मैदान में आ टिके। तो दूसरी तरफ दीप्ति माहेश्वरी, चूँकि उनकी माता का देहांत हो गया था दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी का, तो उसके बाद में दीप्ति माहेश्वरी को सेंटीमेंट के तौर पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी चुना और काफ़ी हद तक भाजपा ने इस अपने संवेदना जो है उसको बटोरने की कोशिश पूरी तरीके से की। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है उन्होंने अपने कैंडिडेट की समाज सेवी की छवि को आगे रखा और साथ ही साथ कांग्रेस ने पिछले जो गहलोत सरकार के कार्यकाल के जो विकास कार्य हैं उनको जनता के बीच ले जाकर रखा और ये जो विकास कार्य हैं इनको जनता ने कितना सपोर्ट किया है, क्या जनता ने गहलोत सरकार के ये कार्यकाल को बखूबी जो है स्वीकार किया है, ये जो तमाम चीज़ें हैं वो इस मतगणना के बाद स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर गहलोत सरकार का जो कार्यकाल रहा है विकास का उसको कितना जनता ने स्वीकार किया, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं। लेकिन इस बिल्कुल बीच में बिल्कुल रवि, और देखना ये भी होगा क्या कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में सेंध मार पाएगी। चलिए अब आपको सीधा सुजानगढ़ सीट का रुख बताते हैं जहां से हमारे सहयोगी तनुज लाठा हमारे साथ बने हुए हैं। तो तनुज देखिए जो सुजानगढ़ सीट है उसकी बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड खेला है, तो ऐसे में आज काउंटिंग शुरू होने वाली है कुछ ही देर में, तो किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का वहां पर ध्यान रखा जा रहा है? देखिए मैं बता देना चाहूँगा, चूरू की पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होगी, सुबह 8 बजे से मतगणना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी मतगणना कक्ष के अंदर जा रहे हैं उन्हें पहले गेट के बाहर, पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर जो पुलिसकर्मी हैं वो उनके हाथों का सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और जो कोविड की RT-PCR रिपोर्ट है उसको नेगेटिव चेक कर रहे हैं और उनके बॉडी टेम्परेचर है, उन सभी चीज़ों का ख्याल रखने के बाद ही
उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। निश्चित रूप से इस बार कोरोना के साये में चुनाव हुए और कोरोना के साये में मतगणना हो रही है, तो हेल्थ प्रोटोकॉल कोरोना गाइडलाइन का पालन हो, इसकी पालना की जा रही है। जहाँ तक आपने बात की कांग्रेस के इमोशनल कार्ड की, तो कांग्रेस ने यहाँ से दिवंगत मंत्री मास्टर भूमलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं बीजेपी से खेमाराम मेघवाल, जो कि दो बार विधायक रह चुके हैं, वो यहाँ पर प्रत्याशी हैं। यहाँ पर इस बार मुकाबला आरएलपी ने भी अपना प्रत्याशी उतारकर चुनावी मैदान को रोचक बना दिया। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। पहला रुझान, जो कि जैसे कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुबह 9 बजे के करीब पहला रुझान आ जाएगा। पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम मशीनें खोले जाएगी। देखिए, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो 418 टोटल बूथ हैं, जिनमें से 2,17,000 के करीब मतदाता। इस बार की हम बात करें वोटिंग प्रतिशत की, तो 1,60,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। 2018 विधानसभा चुनाव में से 10% इस बार मतदान कम रहा, इस बार 58% मतदान हुआ, और 2018 विधानसभा चुनाव में 70% मतदान हुआ था। मतदान का प्रतिशत इस बार कहीं ना कहीं कम रहा कोरोना गाइडलाइन के कारण। जैसे कि प्रत्याशियों ने भी कहा कि कोरोना के कारण इस बार मतदान का प्रतिशत कम रहा। सुबह 8 बजे से कुछ ही देर बाद चूरू के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना शुरू हो जाएगी। आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आ जाएगा और सुजानगढ़ का विधायक भी आज दोपहर तक घोषित हो जाएगा। जी सुजानगढ़ से देखिए तनुज, ये बात भी सामने आ रही है कि जो आरएलपी है, जो मतों का खेल जो है, आंकड़ा जो है वो बिगाड़ने का काम कर रही है, और वैसे सीधी जो टक्कर है वो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस में भी है। तो ऐसे में क्या जो भाजपा और कांग्रेस के साथ सीधी टक्कर तो है ही, तो आरएलपी के जो आंकड़ों का जो खेल है, क्या वो इन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा या फिर किस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से इस बार आरएलपी के चुनावी मैदान में आने से मुकाबला रोचक हुआ। आरएलपी ने सीताराम नायक को यहाँ से प्रत्याशी बनाया था। सीताराम नायक, जो कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में माना जाता है, नायक समाज के 9,000 से 10,000 वोट होते हैं, जिन्हें परंपरागत रूप से बीजेपी के माने जाते हैं। हनुमान बेनीवाल पार्टी के सुप्रीमो हैं, तो कहीं ना कहीं सुजानगढ़ के आथुना क्षेत्र में आरएलपी का प्रभाव देखने को मिलेगा। जब बूथ संख्या 1 से मतों की गिनती शुरू होगी, उसी समय ये अनुमान हम लगा लेंगे कि आरएलपी इस चुनाव में कितने वोट स्विंग कर सकती है। जी तनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। और वहीं रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और कौशल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग लगातार नजर बनाए रखिए, क्योंकि आपके साथ फिर से लौटेंगे पर्पल की अपडेट के साथ।